12 जुलाई को महाराष्ट्र की 11 विधान परिषद सीटों पर चुनाव है और 11 सीटों के लिए कुल 12 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद से क्रॉस वोटिंग की संभावना और बढ़ गई है। इससे विपक्ष का महाविकास आघाड़ी गठबंधन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि वोटिंग से पहले विधायकों को रिजॉर्ट भेजा जा सकता है, जिससे एनडीए के नेता उनसे संपर्क न साध सके। कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार के एनसीपी के विधायकों को होटलों में रखने की योजना है। खासतौर पर उद्धव सेना के विधायकों से कहा जा सकता है कि वे चुनाव से पहले साथ रहें। इस तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के विधायकों को भी एक होटल में ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए होगा ताकि चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। विधायकों की टूट का डर इस बार दोनों ही तरफ बराबर है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 17 सीटें मिलने के बाद ऐसे तमाम नेता हैं जिनका अब मन बदल रहा है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कई एमएलए अपनी वफादारी दूसरे नेता के प्रति दिखा सकते हैं। इसलिए एनडीए से लेकर महाविकास आघाड़ी तक में सतर्कता का माहौल है। दो दिन पहले ही सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तीनों दलों ने संयुक्त रणनीति पर विचार किया। इसके अलावा वोटिंग पैटर्न तय करने का फैसला किया है। बैठक में इस बात पर निर्णय लिया गया कि तीनों दलों को प्रथम और द्वितीय वरीयता के वोट कैसे दिए जाएंगे। दरअसल 2022 में बीजेपी ने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। तब कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में थी। उस अनुभव को देखते हुए इस बार भी एनडीए की कमान फडणवीस को ही दी गई है। भाजपा ने 2022 में पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद 3 राज्यसभा सीटें और 5 विधान परिषद सीटें जीती। बता दें कि कुल 11 सीटों के लिए जो 12 कैंडिडेट उतरे हैं उनमें से 5 बीजेपी के हैं, और इसके अलावा 2 उम्मीदवार एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजीत पवार के हैं। विपक्ष के महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने एक एक कैंडिडेट उतारा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।